सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कल हमने अनुच्छेद 125 तक हमने चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 126 की, अनुच्छेद 127 की, अनुच्छेद 128 की, अनुच्छेद 129, 36, 31 और 32 से 34। ये सारी चीजें जो अनुच्छेद है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो क्षेत्राधिकार आ जाएंगे 32 से 34 तक, आधे काम इसके 32 से 34 तक आ जाएंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां क्या है वो आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मान लो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका पद खाली हो जाए, ऐसी स्थिति में उस पद को कौन संभाल सकता है या मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कौन करेगा जब तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो जाए। इसके बारे में अनुच्छेद 126 में बताया गया है कार्यभार मुख्य न्यायाधीश, कार्यभार मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126। इसमें क्या बात कही गई है कि अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी मृत्यु हो जाए या वो बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको भारत का राष्ट्रपति क्या बनेगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए क्या बनेगा उसको, मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अंदर लिखी गई। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति, जबकि मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस स्थिति में बनाया जाएगा, या तो मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो गई या वो बीमार है, अस्वस्थ चल रहा है, ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जब तक नया मुख्य न्यायाधीश, यानी मृत्यु हो जाए तो इसका मतलब नया मुख्य न्यायाधीश जब तक नियुक्त नहीं हो तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से काम करेगा, अगर बीमार हो जाए तो जब तक वो कोर्ट में नहीं आए तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से, कार्यवाहक जो न्यायाधीश जो होगा न्यायाधीश अन्य उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 126 में लिखी गई। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर अब देखिए
कार्यों मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बीमार, मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है, बीमार है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से जो अन्य न्यायाधीश बच गए उनमें से सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 126 में आती है। और अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 124(2) में आती है, अनुच्छेद 124(2) के अंदर आती है। जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश नहीं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आएगी, तो अनुच्छेद 126। अब अगले आ रहे तदर्थ न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश यानी अन्य जो न्यायाधीश है उनकी बात हो रही है, ये अनुच्छेद 127 यानी सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। अगर मान लो मुकदमे अधिक हो रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है तो उनकी जांच करने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, न्यायाधीशों की जांच पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर के किसी राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उसे कार्यवाहक न्यायाधीश कहेंगे या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि वह न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं पूरी करती हो, यानी जो ऐसे न्यायाधीश जो नियुक्त हो रहे हैं उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हो रही है उनकी जो योग्यता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यता है उनके अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा वो नियुक्त नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति, गणपूर्ति का होता है कोरम, आपने पढ़ा होगा 1/10 पढ़ा है, अनुच्छेद 100 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि संसद की गणपूर्ति, विधानमंडल की गणपूर्ति, ये सारी चीज पढ़ी होगी। कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अगर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैठक शुरू नहीं होगी। सदन के अंदर अगर 1/10 उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैठक शुरू नहीं हो सकती है, ये गणपूर्ति कहलाता है। गणपूर्ति संसद के अंदर आपको पता होगा गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अंदर आती है, अनुच्छेद 100 में एक कुल सदन संख्या का 1/10 अगर उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति में बैठक शुरू ही नहीं होगी। यानी राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति में राज्यसभा की बैठक नहीं शुरू होगी। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कम से कम यानी सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाए ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन किसकी अनुमति से की जाएगी, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नहीं नियुक्त कर सकता। अब यहाँ पर जो सर्वोच्च सर्वोच्च नाम आ रहा है इसके स्थान पर उच्चतम भी आ सकता है, ध्यान रखना उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक ही चीज है, उच्चतम यानी सर्वोच्च, सर्वोच्च यानी उच्चतम, दोनों चीज एक ही, अलग नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय अलग हो जाता है, उच्च न्यायालय राज्यों में होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है पूरे देश का होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है पूरे देश का होता है, ध्यान रखना। और सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि उच्चतम न्यायालय अलग है या सर्वोच्च न्यायालय अलग है, चीज एक ही है। तो इस तरीके से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 और तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 में ये संविधान में उल्लेख कर रखा है कि किस तरीके से इनकी नियुक्तियां होगी और क्या शर्तें होगी। तो अगर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय की योग्यताएं हमने कल पढ़ी, न्यायाधीशों की सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि वो कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरी बात क्या थी कि वो कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और चौथी बात क्या थी कि वो कम से कम राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। अगर ये योग्यता है उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश पूरा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में गणपूर्ति को पूरा करने है तो उसको कहां नियुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की जा सकती है।
नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही नियुक्ति होगी, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगली बात है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 62 वर्ष। इसके बाद भी क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय पर मुकदमों की सुनवाई का बोझ अधिक हो, यानी जल्दी से जल्दी मुकदमों की सुनवाई करनी हो, बहुत ज्यादा मुकदमे आ गए, न्यायाधीशों की संख्या भी कम है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, चाहे उच्च न्यायालय के हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको राष्ट्रपति की अनुमति से नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के उनको नियुक्त कर सकता है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको। अब जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जिसको नियुक्त किया जा रहा है उसकी सलाह लेना अनिवार्य, अगर वो स्वयं नियुक्त होना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहे तो उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमने बात की कि न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। लेकिन जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जब उनकी नियुक्ति होती है तो उनका वेतन कौन निर्धारित करेगा? उनका राष्ट्रपति। इतना फर्क है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और बाकी जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन है वो कौन निर्धारण करता है? संसद। संसद की कौन सी निधि से उनको वेतन दिया जाता है? संचित निधि से। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 266(1) और आकस्मिक निधि 267(1)। अब देखिए इस प्रकार के न्यायाधीशों को 2 वर्ष तक ही नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार के जो न्यायाधीश होंगे यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी जब नियुक्ति होगी तो उसे 2 वर्ष तक ही नियुक्त किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। ये बात है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में। तो लिखिए अब, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां पर है? 130 के अंदर है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो कहां रहेगा? नई दिल्ली। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहां? जोधपुर में। लेकिन इसकी खंडपीठ कहां है? जयपुर में। वैसे सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नहीं बनाई जा सकती, लेकिन सुनवाई है वो दूसरे स्थान पर की जा सकती। किसी मुकदमे की सुनवाई है वो नई दिल्ली में नहीं करके दूसरे स्थान पर भी की जा सकती, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे की सुनवाई दूसरे स्थान पर की जा सकती। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। दूसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई दूसरे स्थानों पर भी की जा सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के जो
मुकदमे होते हैं उसकी सुनवाई दूसरे स्थान पर भी की जा सकती है, जैसे हैदराबाद में एक बार हुई, एक बार जम्मू कश्मीर में हुई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, लेकिन उसकी सुनवाई दूसरे स्थान पर हो सकती है। लेकिन उससे पहले अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के आप इसकी सुनवाई दूसरे स्थान पर कर सकते हो, लेकिन इसकी पीठ है, खंडपीठ है, मुख्यालय ऐसा नहीं बना सकते। इसका मुख्यालय तिलक मार्ग नई दिल्ली है। कहां पर है? नई दिल्ली में भी। कहां है? तिलक मार्ग में। कौन सी रोड है? तो तिलक मार्ग है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। यह अनुच्छेद 130 में उल्लेख किया गया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि अनुच्छेद 129 कहां गया है? 128 से सीधा 30 आ गया। 129 कहां गया? तो इसका जवाब आपको मैं दे देता हूं। 129 जब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे उसमें आएगा। यानी 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है, सबसे बड़ा न्यायालय बनाता है। उसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले हैं उसको निचली अदालतें वो चुनौती नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो सभी को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं उन्हीं फैसलों को आधार बना करके जो निचली अदालतें हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे जिला न्यायालय हो, वो उन्हीं को आधार बना करके सुनवाई करेंगे। ये अनुच्छेद 129 की बात है। फिर 130 हो गया। अब आगे बात रह गई है अपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां जिसे अपन कहते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के कार्य जिसे अपन कहते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।